ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि चौक जब एक बच्चे के जन्म होने पे मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहें इस वीडियो में, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले और वीडियोस को देख सके। थैंक्स। रोने लगे बस चुप करा पहले सो रोने लगे देखे नानू तो चुप हो गया मुंडा दादू ते नाराज है भाई ठीक नहीं लाइक रहा दादू रस्ता भाई अह ला रहे नाके मुन्नू भी देखी देखी नहीं रोज बापू नी हाले मामे आने दो मैं तो कड्डी रखो पैसे भाई
ਬੜਕਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਵਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਵਾ क्या कर रहा हूँ तू तो स्टैंडर्ड ही लो कर दिया तो काम भी चखी दिया अरे गोद तो लेना है पकड़ना है जरा खिंड दे जाओ भाई हाँ गुठी केड़ी है ये पकड़ना जा तुम्हें पकड़ा था खड़ी आओ था कोई दिक्कत नहीं तू भी चला गया ये आओ था कन्ने आओ आए दो मिनट में मजे ने मजे ने कोई भी पाई लो सूट जहा देना कुछ देना हर दोनों ला था एक क्या था हाथ लाए है मुनी इसने ला था आए थी भाई हाँ बस पाई दे कुछ नहीं होंदा पाई दे थले कुछ नहीं होंदा मत्था टेक इस पानी ने कहना चलता चल बस बस दो और तीन झूठे मेरी साइड देखना नहीं जागता हूं हूं नहीं जागता है ड्राई तो इं टच करवाई दो फिर पकड़ाई दो इन्हें कुछ किले ना पी जाने इस पर आई इं टच करवाई दो पकड़ाई दो इन्हें पकड़ाई दो थोड़े जे आए थे बस बस थोड़े कटी गठ कितनी बौनी इदे मौली मौली बन गई है मौली मोटी कने बाल छोटे और कटे से करते कर थारे में कटे से चल भैया थोड़ा
आप हमें ये बताएं कि चौक जो है वो कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और इसमें किस तरह का रीति रिवाज होता है, क्या क्या उस दिन जो है जिस दिन चौक होता है क्या करते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये हमारे हिंदू रीति रिवाज है, और चौक का भी प्राय है कि चौक डालकर जो है उसमें ये इतने दिन जो होते हैं, जो गर्भवती औरत होती है जब उसके बच्चा हो जाता है तो उसको बंदिश होती है, उस कमरे में रखा जाता है, तो इस 11 दिन या जितना पंडित के योगों के हिसाब से बताए, तो 11 दिन के बाद जब वो इस फंक्शन को मनाते हैं, चौक को मनाते हैं, तो इसका अभिप्राय ये है कि उस दिन जो है हमारे रिवाज होता है अपने रिश्तेदारों को भी इनवाइट करना है, फिर खुशियां मनाते हैं और भोज भी दिया जाता है। तो चौक का जो मनाने का तरीका है कि इसमें क्या करते हैं कि उस पहले तो उस बच्चे की माँ को नहलाना है, तेल वगैरह जो दाई होती है रखी होती है, रोज जो काम करती है जच्चा बच्चा का, वो आती है और उसका सारा काम करके नहलाना धुलाना, और उसको फिर नए कपड़े जो है वो मायके भक्त की तरफ से जो कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं। और फिर क्या है हमारे रिवाज क्या है कि पहले दानों का ढेर लगाना है, जैसे फसल के अनुसार मक्की हो या गेहूं, वो उसके ऊपर जो है फिर उसको बिठाया जाता है, बच्चे को भी, बच्चा तो उसके अभी तक दाई के पास होता है, पर पहले उस औरत को नहला धुला के कपड़े बना के जो उसके मायके भक्त ने लाए होते हैं वो बनाने हैं, और उसको फिर उसके ऊपर चौकी डाल लेनी है, उसके ऊपर बैठाना है, फिर वो उसका क्या करते हैं कि दिया तेल का कड़वा तेल जो होता है सरसों का तेल है, इसका ज्यादा महत्व होता है, तो वो दिया जो है वो दाई के पास होता है, और इसके जैसे सूप या सुपड़ी में वो अपना सारा सामान रखती है, और वो लाना उसने, और वो वहाँ उस बच्चे की माँ के पास ले आना, फिर उसको क्या वो ऊन वगैरह जलानी है, उससे जो है बोल वो उन्होंने वो लेने उसकी कि ये बीमारियों के तरफ से कोई नहीं शुद्ध हो जाए, रहे उसके हमारे रिवाज है कि शुद्धिकरण होता था, फिर वो उन्होंने करना इतना, फिर वो उस दिए के ऊपर जो है वो दाई जो है वो द्राटी उसकी जो फ्लेम होती है दिए की, उसको दाई को उसके ऊपर उसको इकट्ठा करती है, वो एक हमारे फिर वो आर्टिफिशियल जो है ना जिसको बोले काजल बनता है, वो
उसी वक्त उसका कोई वो नहीं होती। तो वो पहले वो काजल जो है वो बच्चे के आंखों में लगाना है, फिर उसका काला टीका बुरी नजर से क्योंकि बचाव के लिए काला टीका लगाना है, फिर उसके बाद जो है वो खड़े हो जाना, फिर वो दिए उसको बोलना भाई तू दिए की तरफ देखती रह, और जो है फिर उसको तीन चक्कर लगवाने उन दानों के ऊपर ही अनाज के ऊपर। वो अनाज इसलिए रखते हैं ना पूरे घर के रखते हैं, पहले तो उन्होंने रखना जिनकी घर में वो बच्चा हुआ है, फिर बाकी जो हमारे क्लोज होते हैं रिश्ते घर के यही कि परिवार के खानदान के आदमी होते हैं, अब अपने घर से सब लाते हैं वो भी वही रखने हैं। फिर वो उसके उस बच्चे की माँ के तीन चक्कर लगवाने हैं, पर वो पैर जो है ना उसने उठाने नहीं है, जैसे रगड़ते हैं और उसको फुला देना है। उस फुलाने का मतलब ये है कि अब इस बच्चे का अंजाल भी ऐसे रहे, कोई कमी ना आए, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंस इसकी है कि अब हम पहले ये होता था भाई अकाल पड़ जाता था कोई, तो उसकी शुरुआत से जो है ना अब जैसे धन धान्य की वृद्धि हो ये होता है, इस करके जो है ये किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो जब हो गया फिर वो बैठा देते हैं उसको, फिर वो और बच्चे को भी जो रिश्तेदार हैं और कोई वैसे कंगन वगैरह या कोई भी गिफ्ट जो है सब दिए जाते हैं। फिर जब सारा फंक्शन अंदर हो गया ना तो फिर जो है वो जो वहाँ कलश रखा होता है जिसमें जल रखा होता है वो बाहर आना, फिर उन्हें अर्घ देना है, और उसके बाद जो फिर सब अपने रिश्तेदारों से गले मिलते हैं, बच्चा माँ की गोद में होता है। तो ये है चौक का मतलब, ये है कि आज से जो है ना वो औरत जो सबके साथ मिल सकती है, ये 10-11 दिन जो है उसको थोड़ी बंदिश होती है, ये मेन।